हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। वन और वन्य जीव संसाधन। भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में सबसे महत्वपूर्ण देश माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि भारत पूरे विश्व में जितनी भी जैवों की उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनका लगभग 8% उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख है। और जो बहुत सारे रिपोर्टों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, जिनके जिनमें सम्मिलित हैं चीता, पहाड़ी कोयल जिसे हम क्वेल कहते हैं, उल्लू, गुलाबी सिर वाली बत्तख और इत्यादि बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं, स्तनधारी हैं, जो लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। अब हम देखेंगे कि IUCN ने प्रजातियों का वर्गीकरण किन किन वर्गों में किया है। सबसे पहला जो वर्ग है वो है सामान्य प्रजातियों का। सामान्य प्रजाति वे प्रजाति हैं जिनकी संख्या सामान्य हो और उनकी उत्तर जीविका के लिए अनुकूल वातावरण हो, जैसे कि पशु। दूसरी जो इसमें प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है वो है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। संकटग्रस्त प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उदाहरण के लिए जंगली गधा, काला हिरण इत्यादि। तीसरी कैटेगरी में है सुभेद्य प्रजातियाँ, जिनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और भविष्य में वे उनके लुप्त होने की संभावना है, उदाहरण के लिए नीली भेड़। उसके बाद हैं स्थानिक प्रजातियाँ। स्थानिक प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में, विश्व के दूसरे किसी भी क्षेत्र में वो नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजातियों को हम स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं। उसके बाद हैं दुर्लभ प्रजातियाँ। दुर्लभ प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो संख्या में बहुत कम हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं बिल्कुल। इसका उदाहरण हॉर्नबिल को हम दे सकते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी है उसमें हैं लुप्त प्रजातियाँ, वो प्रजातियाँ जो पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं, उदाहरण के लिए गुलाबी सिर वाली बत्तख। इसमें हम देखेंगे वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कैसे किया गया। वनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है अवर्गीकृत वन, दूसरा आरक्षित वन और तीसरा रक्षित वन। अवर्गीकृत वन वे हैं जो वन और बंजर भूमि, सरकार और निजी व्यक्ति, समुदाय, सभी को उनमें जाने की अनुमति है। आरक्षित वन वे हैं जो कुल वन का आधा है और सबसे मूल्यवान है और स्थायी वन के रूप में इसे जाना जाता है। रक्षित वन वे हैं जो कुल वन, हमारे जो कुल वन का क्षेत्र है उसका 1/3 क्षेत्र में है और अधिक नष्ट होने के कारण से इसकी रक्षा की जा रही है और यह भी स्थायी वन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वनों की रक्षा करने में जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी कहां कहां पर क्या भूमिका रही है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर ग्रामीणों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत हद तक सफलता भी हासिल की। दूसरा भी राजस्थान का उदाहरण है जिसमें अलवर जिले में पांच गांव ने 1200 हेक्टेयर जंगल में भैरोदेव डाकाऊ सेंचुरी अपने नियमों की घोषणा की और उनके अनुसार वहां पर शिकार और अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी गई। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं चिपको आंदोलन। हिमालय में वनों की कटाई का विरोध किया गया और वनों को और देसी प्रजातियों को बचाया गया। अगला उदाहरण हम देखते हैं बीज बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन टेहरी कृत्रिम रसायन उर्वरकों के उपयोग के बिना विविध फसल उत्पादन के लिए किया गया था। और आखिरी उदाहरण है संयुक्त वन प्रबंधन JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वन विभाग द्वारा प्रतिबंध स्थानीय समुदायों को शामिल कर जंगल की भूमि का जो संरक्षण है इसको कहा गया है संयुक्त वन प्रबंधन। हिमालयन यव फिलहाल
संकट में है, लुप्त होने वाली इसकी मतलब संख्या बहुत कम रह गई है। ये चीड़ की तरह का एक सदाबहार वृक्ष है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, क्योंकि इसके जो छाल, टहनी, पत्ते और जड़ हैं उनसे टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है, और ये टक्सोल नामक जो रसायन है कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे बनी हुई दवाइयाँ पूरे विश्व में सबसे अधिक कैंसर के लिए बिकने वाली औषधि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण, अत्यधिक निष्कासन के कारण इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया, और पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के पश्चात हमारे देश में जंगलों को आने के कौन कौन से तीन मुख्य कारण हैं। पहला है कृषि के विस्तार के लिए हमने बहुत सारी विकास परियोजनाएं की और उसके लिए हमने जंगलों को जलाया, इसमें उदाहरण है कर्तन और दहन कृषि। दूसरा है सरकार द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए तीन सूची, तो ये हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीवन अभियान की स्थापना और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी परियोजनाएं सरकार द्वारा उठाए गए हैं वनों और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, ये कदम है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का कारण क्या है, भारत के किसी भी तीन बाघ अभ्यारण्यों के नाम का उल्लेख करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर है व्यापार के लिए अवैध शिकार, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, बाघ की खाल के व्यापार और उनकी हड्डियों से पारंपरिक दवाओं में उपयोग, इन सभी को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं तीन बाघ अभ्यारण्य। सबसे पहला पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, असम में मानस टाइगर रिजर्व है और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? 1988 ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। वन विभाग के अंतर्गत श्रित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें गांव और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और अंत में यहां पर गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कोट दिया गया है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता और समय पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये पेड़ों की महिमा बताई गौतम बुद्ध ने। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।